ब्रेकिंग वैरियर्स में आप सबको वेलकम करती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आलिया, और आज हम जिस मुद्दे पर बात करने लगे हैं वो बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, और उस डॉक्यूमेंट्री पर इस वक्त बहुत डिबेट की जा रही है, बहुत बात की जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया के जर्नलिस्ट रोहित शर्मा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रोहित शर्मा जी फॉर ज्वाइनिंग माई शो। नमस्कार मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी मैम। बहुत बढ़िया शो करती हैं आप, प्राउड ऑफ यू, और बड़ी अच्छी एनालिसिस देती हैं मैम। और आपके साथ शो पे आना मैम, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। थैंक यू सो मच। बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है उस पर बहुत बात चल रही है, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, यूके में भी। अब ये मामला जो है ये हो गया है यूके और इंडिया के बीच, ऐसा लग रहा है कुछ। इसकी वजह ये है कि हमने देखा कि यूके की पार्लियामेंट में जब इसके ऊपर बात की गई, और पाकिस्तान ओरिजिन एक एमपी की तरफ से जब इसके ऊपर बात की गई कि ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसके अंदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बनी है, जिसमें कि जाहिर आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि गुजरात का जो वाक्य है उसके ऊपर बनाई गई, और उसमें उनको ये एस्टैब्लिश किया गया है कि उनका इसके अंदर हाथ है। तो जब पाकिस्तान एमपी ने इसके ऊपर बात की तो यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने उनको जरा स्नब किया, और हर जगह ये पब्लिश किया जा रहा है कि यूके पीएम ऋषि सुनाक शट्स डाउन पाकिस्तान ओरिजिन एमपी ओवर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम मोदी। तो आप, यानी आपसे मुराद ये है कि इंडिया का इसके बारे में क्या स्टैंड है, इसके ऊपर आप इसको कैसे एलैबोरेट करेंगे? मैम पहले तो ये जो पाकिस्तान ओरिजिन के जो एमपी थे इमरान हुसैन, इन्होंने अपनी पॉइंट रखा, पर पॉइंट रखना बहुत जरूरी है, पॉइंट सबको रखना चाहिए, लेकिन ये सोच समझ के रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। इंडिया की कोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को एग्जोनरेट कर चुके हैं। 22 साल पुराना मामला है, 2002, आई मीन लाइक 20 साल पुराना, करीब 21 के आसपास, ठीक है, इतना साल पुराना मामला है। उस मामले में आज बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री निकाल रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री निकाली थी 20 साल पुराने में? अगर 20 साल पुराने में निकाली तो ये अपने और दूसरे मामले पे भी निकाल लेते, निकाल सकते थे, दे हैड अ राइट टू डू दैट। साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया उस पर निकाल सकते थे। इन्होंने जो स्लेव ट्रेड किया उस पर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने निकाली है। कोहिनूर इंडिया से छीना, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री थी इनकी कि कोहिनूर हमारा नहीं है? मैं देखना चाह रहा था कि हो सकता है कि वो भी इनकी, लेकिन क्या इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को चलाया था? एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने चलाई थी डॉक्टर केली वाली का, डॉक्टर केली बहुत बड़ा केस हुआ था, डॉक्टर केली की एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी जिस पर सही था, उन्होंने जो दिखाया वो सही था कि कोई वेपन्स और कोई प्रूफ नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोजियर गलत था। ये डॉक्टर केली केस वाले वाली डॉक्यूमेंट्री जिसके प्रोड्यूसर थे या रिपोर्टर थे एंड्रू गिलिगन। एंड्रू गिलिगन ने ये प्रूव किया था अपनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कि गल्फ वॉर गलत हुई, नॉट गल्फ वॉर नहीं, इराक वॉर गलत हुई। गल्फ वॉर 1991 में हुई थी जब कुवैत से छुड़ाया था, बाद में इराक वॉर हुई थी सदाम हुसैन को हटाने के लिए। इराक वॉर गलत हुई, सद्दाम हुसैन के पास कोई भी वेपन्स नहीं थे, ये बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। और बाद में ये प्रूफ भी हो गया, कोई कोई वो नहीं निकले, ये प्रूफ भी हो गया, गवर्नमेंट को भी मानना पड़ गया। लेकिन उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री के बाद हुआ क्या था बीबीसी का? बीबीसी को तोड़ दिया गया 4 पार्ट्स में, बीबीसी को पनिशमेंट दी गई, और आज तक उसको वो हटन्स कमीशन रिपोर्ट थी, उसमें कमीशन था। कमीशन और कमेटी में फर्क ये होता है कि कमीशन की रिपोर्ट गवर्नमेंट को माननी पड़ती है, कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट सारी की सारी रिपोर्ट को खारिज कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता, पाकिस्तान में तो बहुत सारे कमीशन की रिपोर्ट फाड़ के फेंक दी गई है। एक हमदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट भी है, लेकिन हटन्स कमीशन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ा उन्हें क्योंकि कमीशन था। अब ये कमीशन की बात हुई तो बीबीसी को तोड़ दिया गया। क्या गवर्नमेंट ने इस पर माफी मांगी? नहीं। दूसरी चीज, बीबीसी ने इस पर क्या किया भैया? बीबीसी ने भी कुछ नहीं किया। चलो तीसरी बात, क्या बीबीसी ने जिस तरीके से इराक पे अटैक हुआ, जिस तरीके से कोसोवो पे अटैक हुआ, जिस तरीके से पूरे अफ्रीका को कॉलोनाइज किया गया, उस पर कोई डॉक्यूमेंट बनाई? क्या बीबीसी ने इनके कंट्री में, यूके के अंदर ही कितनी गरीबी है, लोग सड़कों पे सो रहे हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है? नहीं बनाई। क्या बीबीसी ने इंडियन और पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं यूके में जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है? नहीं बनाई है।
तो बीबीसी अपने आप को, बीबीसी को पता है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, हमसे बड़ी इकोनॉमी है यूके से, अगर इस पर आप कुछ करोगे तो इस पे जैसे भी करो तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्री चलेगी। और बीबीसी को अब हटेंस कमीशन के बाद से बीबीसी को तोड़ दिया गया था, उसके बाद बोला गया था कि अपने फाइनेंसिस खुद जुगाड़ो, गवर्नमेंट नहीं देगी, और सच में हो भी यही रहा है। तो बीबीसी हैज नेवर बीन अ न्यूट्रल पार्टी, बीबीसी करता रहा है, बीबीसी हमेशा वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव को लाता रहा है। क्या बीबीसी ने इस पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई है कि महात्मा गांधी को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है? क्यों नहीं मिला? कोई रीजन? महात्मा गांधी क्या पीसफुली क्या वायलेंस से मांग रहे थे आजादी? पीसफुली मांग रहे थे, पूरे वर्ल्ड मानता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच में माना कि ये पांच जिस पे मैं चला हूं पीस का, ये इंडिया ने दिखाया था। लेकिन बीबीसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई कि राष्ट्र गांधी को क्यों नहीं मिला, मिलना चाहिए था। इस पर नोबेल कमेटी बोलती है कि हम तो सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो जिंदा होते हैं। अरे तो एक मिलेनियम अवार्ड भी हो सकता था। नहीं, चल आगे। बीबीसी ने क्या इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई कि कितने टेस्ट, न्यूक्लियर टेस्ट ब्रिटेन ने किए हैं और उन न्यूक्लियर टेस्ट से कितना न्यूक्लियर रेडिएशन फैला है? नो रोहित शर्मा, आपका यहाँ पे स्टैंड ये है कि अगर इन सब मुद्दों पर नहीं बनाई तो इस पे क्यों बनाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने बनाई है, बड़ा अच्छा काम किया। कोई एक मकसद होगा ना आपका कि आपने इतने सारे मुद्दे थे, इतने सारे इश्यूज थे आपके पास, आपने ये सारे इश्यूज छोड़ के आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का 2002 का इशू क्यों पकड़ा? पहली चीज। दूसरी चीज, पार्लियामेंट सॉरी लोकसभा, हमारी सॉरी अगेन सुप्रीम कोर्ट और हमारी मुख्तलिफ कोर्ट्स ये बोलती रही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है, हमारी कोर्ट्स ने बोला। ठीक है, चलो इंडिया की कोर्ट्स है, हो सकता है बोल गई हूं। सऊदी अरेबिया ने अपने सबसे बड़ा अवार्ड दिया है, सऊदी अरेबिया तो मुस्लिम कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया बोल सकता था कि मुस्लिम्स के साथ इतनी एट्रोसिटी हुई है, और इसके बाद हमारे पास यूके की एक सीक्रेट रिपोर्ट है। अब यूके ने सीक्रेट रिपोर्ट को सीक्रेट ही रखा, बताया नहीं, पता नहीं, वी डोंट नो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। चलिए ये भी मैं मान लेता हूं, उस सीक्रेट रिपोर्ट पे एक जैक स्ट्रॉ कुछ बोल रहे हैं कि हमारे पास रिपोर्ट थी ये वो। यार एक सीक्रेट रिपोर्ट जिसने जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, उस पे एक आदमी का कमेंट है जो हमारा नहीं है, जो कि 20 साल पहले फॉरेन सेक्रेटरी था, आज नहीं है, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करे? तीसरी चीज, क्या बाकी सारे कंट्रीज की इंटेलिजेंस हैं? बाकी सारे कंट्रीज को भी ये रिपोर्ट मिली होगी ना? अगर यूके को रिपोर्ट मिली है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, तो सऊदी सऊदी अरेबिया को मिली होगी, यूएई को मिली होगी, इन्होंने तो दिए अपने अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी को, मुस्लिम कंट्रीज हैं यार। अच्छा चलिए ये भी मान लेते हैं, क्या यूके आज भी इंडिया के इंडिया पे रूल करता है? ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले होते कौन है? ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब उसकी रिपोर्ट इन्होंने क्लेम किया है कि? या मैम बिल्कुल मैम, यानी हम ये पॉइंट जो है इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि आपका, क्योंकि इंडिया का कोर्ट जो है उसका एक वर्डिक्ट आ चुका है, तो जिस तरीके से अगर उस कंट्री के कोर्ट का वर्डिक्ट आ जाए तो फिर उसके बाद, जैसे कि यहाँ पर काफी केसेस चले पाकिस्तान में करप्शन के हवाले से, उसके ऊपर वर्डिक्ट आ गए ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि जो यूके की कोर्ट है वहां से भी, तो वो लोग क्लियर हो गए। लेकिन आप समझते हैं कि जब आपके कंट्री के वर्डिक्ट आ गया तो फिर उसके बाद इस तरह की वो बनाना ज्यादती है या नाइंसाफी है, आप इसको ऐसे लें? नहीं, मैं सिर्फ हमारी कोर्ट की ही बात नहीं कर रहा हूं, हमारी कोर्ट का जजमेंट्स तो हैं, नो डाउट अबाउट इट। सऊदी अरेबिया के पास भी तो कोई इंटेलिजेंस होगी, सऊदी अरेबिया ने भी तो इंटेलिजेंस लगाई होगी, यूएई के पास कोई इंटेलिजेंस ऑपरेशन होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे जो वही जैसे देखिए, डॉक्यूमेंट्स। वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो हम उस पर कई मरतबा बात कर चुके हैं, वो तो ठीक है कि उनको हमेशा वहां पर वार्म वेलकम मिलता है, लेकिन हम बीबीसी को ये नहीं कह सकते कि सऊदीया ने नहीं किया तो तुमने क्यों किया। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या आप जो कोई, जिस तरह आपने पहले कहा कि कमीशन बना और जो बीबीसी ने और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई उसके ऊपर जो है फिर उनके खिलाफ ये हुआ, तो क्या आपकी तरफ से इसके ऊपर कोई स्टैंड लिया जा रहा है या कोई कमीशन वगैरह बनने लगा है, या आप इसके ऊपर उनके ऊपर केस करेंगे? हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कल ही इस पर अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने ये बोला कि यार ये कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलो ना, कॉलोनियल माइंडसेट क्यों लेके बैठे हो? मतलब आप आज भी ये सोच रहे हो कि इंडिया हमारा गुलाम है और हम जो बोलेंगे वो मानेगा, ये क्या
30 साल पहले जो इशू हुआ उस पर हमारी, देखिए विक्टिम हमारे पास है, ठीक है, विक्टिम जो है उस दंगे के वो हमारे पास है, एक्यूज हमारे पास है, एफआईआर हमारे पास हुई है, कमीशन हमारे पास बने हैं, कोर्ट केसेस हमारे यहाँ चले हैं, सब कुछ तो हमारे पास है। तो ये बीबीसी या ब्रिटेन ये कौन है बताने वाले? अब दूसरी चीज ये बात कि इंडिया ने इस मैटर को सॉल्व किया है कि भाई कौन है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उनको जेल हुई है, उन लोगों को जेल में डाल दिया गया, बहुत सारों को सजा हुई है, नो डाउट अबाउट इट। अगर ऐसा कुछ था तो इंडिया में आप और 4 केस और डालने वाले हैं, इंडिया में लोगों की कमी थोड़ी है। देयर इज वन पर्सन नोन एज बैरिस्टर ओवैसी, बैरिस्टर हैं वो, बैरिस्टर से वो ही आदमी अपने नाम के आगे लगा सकता है जो कि या तो यूके से लॉ की पढ़ाई करा के आया हो या साउथ अफ्रीका से लॉ की पढ़ाई करके आया हो, बाकी सारे कंट्री के लोग लॉयर लिखते हैं अपने नाम के आगे, ठीक है। और बैरिस्टर ओवैसी जो हैं वो केस डाल सकते थे, उन्होंने नहीं डाला है, इसका मतलब वो भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि मोदी इज नॉट इन्वॉल्व। ओवैसी तो सबसे ज्यादा गाली देने वाले आदमी है ना। अच्छा, मुसलमानों में पढ़े लिखे 50 हैं, मुस्लिम लॉयर्स भी हैं, जिलानी हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था, वो कर सकते थे, बहुत सारे थे, केस किए गए हैं, केस किए जा चुके, तीसता शीतल बाढ़। अच्छा, सबसे बड़ी चीज इस केस में हिंदूज ने ही मोदी के खिलाफ केस किया था, मुस्लिम्स का कोई रिश्ता नहीं था इसमें, मुस्लिम्स थे कुछ भी, लेकिन हिंदूज ने ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ केस किया था, हिंदूज ने ही रैली निकाली थी, हिंदूज ने ही, सेक्युलर कंट्री है और हिंदूज को भी ध्यान होता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि हमारे तो अपने कंट्री का मैटर, जी, आप खत्म कर लें ये बात जो आप कह रहे हैं, सोचने वाली है। हाँ हमारे अपने कंट्री का मैटर है, उस पर बीबीसी 20 साल बाद डॉक्यूमेंट्री बनाता है और डॉक्यूमेंट्री में वो इंडाइट भी कर देता, मतलब खुद तो सेल्फ अटेस्टेशन पास लेके बैठा हो। क्या आपका ये इंडिकेशन है कि क्योंकि इलेक्शंस करीब हैं इंडिया में, तो इस बिना पर ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आपके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, आप ये कहना चाह रहे हैं? इतना ले सकूं? मैम इलेक्शन हो ना हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ प्रोपगेंडा चलता ही है, हमेशा चलता रहता है। मैं कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी का कोई फॉलोअर नहीं हूं, कोई उनका भक्त नहीं हूं, बट द फैक्ट रिमेन्स, जिस चीज को अरब वर्ल्ड ने, मुस्लिम उम्मा ने आज बोल दिया, एक क्लीन चिट दे दी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज नॉट इन्वॉल्व, उसको बीबीसी निकाल के ला रहा है। सच तो यही है। इसी बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री थी, प्लैनेट इस्लाम, 98 या 97 के आसपास की डॉक्यूमेंट्री थी, सीरीज थी, 3 जगह, प्लैनेट इस्लाम। उसमें ये बताया गया था कि यूरोप में इस्लाम मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, ब्रिटेन में कैसे ट्रीट किया जाता है, अमेरिका में कैसे ट्रीट किया जाता है। क्या उसका कोई फॉलोअप बना? बनना चाहिए था, आई एम सॉरी टू से, बनना चाहिए था। जब आज हमने डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी, आज क्या पोजीशन है? आज तो बीबीसी उस बुर्का बैन को सपोर्ट करता है, क्यों करता है भाई? अच्छा, बीबीसी के स्टैंड चेंज हो गया, हो सकता है कि ऊपर पहले मुस्लिम्स बैठे हों टॉप पे, अब ऊपर क्रिश्चियंस बैठे होंगे, तो वो कह रहे होंगे बुर्का बैन को सपोर्ट करो, ठीक है। अच्छा, एक और थी डॉक्यूमेंट्री, इनकी नहीं थी बीबीसी की, सीएनएन की थी, जब सद्दाम हुसैन पे अटैक करने वाले थे, जब सद्दाम हुसैन पे अटैक हुआ है उससे 1.5 साल 2 साल पहले से सीएनएन डॉक्यूमेंट्री, सीएनएन ने एक सीरीज चलाई थी अनफिनिश्ड वॉर, क्यों चलाई थी भैया? कोई रीजन? अनफिनिश्ड वॉर, आप बता रहे हो पूरी वर्ल्ड को कि ये वॉर फिनिश नहीं हुई, हमें करनी है, यार कहां से डिक्टेशंस लेते हैं आप? आई डोंट नो। अच्छा देन ओके, राइट है तो इस, आपके से जो है वही जो मैंने सवाल किया कि आपका ख्याल ये है कि ये डिक्टेट किया गया है या डिक्टेशन दी गई है, तो इस बिना पर जो है वो ये वाला काम किया गया, तो कहीं डिक्टेशन का जो इशारा है वो पाकिस्तान की तरफ तो नहीं है? इसमें जिस तरह रा की साजिश होती है, कहीं आईएसआई की साजिश या पाकिस्तान की किसी एजेंसी की साजिश की तरफ तो आप लोगों का वो नहीं है इशारा या इल्जाम? मैम पिछले 70 साल से पाकिस्तान का डिक्टेशन पाकिस्तानी आर्मी नहीं मानती है, और आज तो पाकिस्तान का डिक्टेशन कोई नहीं मान रहा है, बीबीसी कहाँ मान लेगा? कोई ठीक, चांस ओके, आपको लग रहा चलिए, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे पर कोई इल्जाम नहीं आ रहा है इसका। चलिए, है? नहीं, बहुत बहुत पाकिस्तान भी नहीं आता। जी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ डिक्टेशन नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या ये वेस्टर्न मीडिया ये एक एक अलग ही दुनिया में जीता है, इसको ये पता नहीं होता कि क्या सिचुएशन है वर्ल्ड में, क्या हो गया है, क्या चीजें हो चुकी हैं, क्या नहीं हो रही हैं, कहां से क्लीन चिट मिल चुकी है, कौन कौन कंट्रीज इस बात को मान चुके हैं कि मोदी पे कोई आरोप नहीं है, मोदी पे जो आरोप थे गलत थे।
वो उसको वेस्टर्न मीडिया सपनों से सपनों की दुनिया में जीता है ना मैम। मैं पाकिस्तान पे कोई आरोप नहीं है, पाकिस्तान की बात तो आज पाकिस्तान के अपने स्टेट्स नहीं मान रहे तो हम बीबीसी की कहां सुने, वो बात से अलग है। इमरान खान नहीं मान रहा पाकिस्तान की बात, बाकी तो छोड़ दीजिए, बट द फैक्ट रिमेन्स कि दिस दिस बीबीसी शुड हैव नोन कि भाई मुस्लिम उम्मा में एक आदमी ये बात बोलने वाला नहीं है। हम क्या मुस्लिम उम्मा से ऊपर है? वो 60 कंट्री बैठे वहां पे, और OIC नहीं बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक काउंसिल ने बोला, मुझे बता दो ये क्या, ये क्या सबके पापा है, यूएन में इनका डायरेक्टर बैठता है, आई डोंट नो। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर योर स्टैंड अबाउट योर कंट्री. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रोहित. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स।